पौरी विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को ओबीसी महासभा ने किसानों के साथ पौरी विधानसभा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सीएम के नाम पौरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश भवन सिंह ठाकर ने बताया कि पौरी विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से किसानों के फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई है। खराब फसलों का सर्वे करा कर तुरंत मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही कई वर्षों से किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। सोयाबीन वर्तमान में बहुत कम दाम पर बिक रही है। सोयाबीन समर्थ मूल्य पर 6,000 में खरीदी की जाए। किसानों की सभी फसलों का उचित मूल्य पर एमएसपी लागू किया जाए और कानून बनाया जाए। किसानों को पंप लाइन वाली बिजली कम से कम 18 घंटे दी जाए, जिसमें 12 घंटे किसानों के लिए दिन में ही बिजली दी जाए। और मध्य प्रदेश की पौहरी विधानसभा में किसानों को सिंचाई के लिए कोई ऐसी सिंचाई परियोजना नहीं है, अतः पौहरी विधानसभा के किसानों की मुख्यमंत्री जी से अवश्य मांग है कि कुनू नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर पौहरी विधानसभा के किसानों के लिए एक बड़ी सिंचाई परियोजना लगाऊ की जाए और किसानों के लिए मध्य प्रदेश में सभी ब्लॉक केंद्रों पर तुरंत खाद पहुंचाया जाए। इस मौके पर क्षेत्र के किसान और ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पौहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आप लोग और एसडीएम कार्यालय पाया, किस लिए आए हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और दूर दरार से आए जी हमारे किसान युवा साथी और बुजुर्ग, इनको सभी को धन्यवाद दूंगा जो कि किसानों की अगतकार की लड़ाई में आज यहां तक एसडीएम ऑफिस तक आए। हम हमारी मुख्य 5 मांगों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया। मुख्य मांग ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा से किसान की पूर्णतः फसल खत्म हो चुकी है, तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि फसल का तुरंत सर्वे कराए और खराब फसल का मुआवजा दे। किसानों की कई सालों से 4 साल से फसल बीमा राशि नहीं आई, चूंकि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन है, आग्रह है, मोदी जी से भी निवेदन है कि किसानों की फसल बीमा राशि तुरंत डाली जाए उनके खातों में। और मध्य प्रदेश की मुख्य फसल सोयाबीन का आज बहुत कम दाम है। हम मांग करते हैं कि 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा किसान के सोयाबीन का भाव हो, किसान को 18 घंटे पंप लाइन की बिजली मिले, दिन में ही 12 घंटे बिजली मिले और क्षेत्र के लिए सरकार कोई ऐसी सिंचाई परियोजना लागू करे जिससे कि हमारे क्षेत्र के सभी किसान लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।